Yes, students, in this chapter Russian Revolution, first of all we will discuss about the causes. जैसे हमने फ्रांस की रेवोल्यूशन में किया था ना causes, same. First आपका जो question है that is related to causes of Russian Revolution. तो अब आपका जो chapter हमने discuss करना है that will be subjective and basically you will learn all the causes according to 3 marks and 5 marks. ठीक है, तो आप इंडिविजुअल जो कॉजेज हैं दीज कॉजेज विल कम अकॉर्डिंग टू 3 marks एंड लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपका 5 marks का होगा. तो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू प्रिपेयर. हमेशा आपने याद रखना है कि व्हेन यू आर राइटिंग फॉर 5 marks क्वेश्चन देन ऑल द इंडिविजुअल पॉइंट्स यू हैव टू एक्सप्लेन इन शॉर्ट. बच्चे आवाज नहीं आया आपकी बिल्कुल भी, या तो आप इधर आ जाओ. हाँ जी, फर्स्ट जो कॉज था रशियन रेवोल्यूशन दैट वॉज पॉलिटिकल कॉज. बच्चे जैसे हमने फ्रेंच के रेवोल्यूशन में अलग अलग कॉजेस किए थे, सम हाउ हेडिंग्स विल बी सेम, लेकिन इसमें बेटा आपने रशिया की इकोनॉमी, रशिया की पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और रशिया की सारी जितने भी रेवोल्यूशन के रीजंस हैं, कॉजेस हैं, वो आपने मेन इसमें बताने. सबसे पहले आपने बताना है पॉलिटिकल कॉज, नंबर वन पॉलिटिकल कॉज. और साथ ही साथ आपने इसको ऐसे याद रखना है कि सपोज अगर आपको इंडिविजुअल कॉज आता है देन यू विल बी एबल टू राइट Only points for political cause. ठीक है, तो जब भी हम किसी कंट्री की पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के बारे में जानते हैं सबसे पहले हमने जो है ये पता होना चाहिए कि वहां पे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी. नंबर वन ऑटोक्रेटिक सिस्टम, तो सबसे पहले हमने लिखना है दैट बिफोर, क्योंकि हमारा जो रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड है ना, इसमें हमने रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड जो है वो है हमारा 1905. तो हमने 1905 से पहले का टाइम पीरियड बताना है. तो नंबर वन हमारा पॉइंट कहां से स्टार्ट होगा, दैट बिफोर 1905 इन रशिया ऑटोक्रेटिक सिस्टम वाज देयर. ऑटोक्रेटिक, अभी ऑटोक्रेटिक या ऑटोक्रेसी सिस्टम क्या होता है, द सिस्टम इन विच, अब इसका मीनिंग आप ये सोचो कि जब भी हम कोई भी पॉइंट डिस्कस करते हैं हर पॉइंट का आगे क्वेश्चन बनता है. ठीक है, अब जैसे इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोक्रेटिक, मीनिंग और द गवर्नमेंट इन विच पावर्स आर इन सिंगल हैंड. सिंगल हैंड का मतलब होता है वन रूलर. ऑटोक्रेटिक, आप इसको ऐसे याद रखो जैसे ऑटो ड्राइवर एक ही होता है ना, सारा कंट्रोल उसके हाथ में होता है, ऐसे ही ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, सारी एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल जो है वो एक पर्सन के हाथ में, ऑटोक्रेसी. और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी थी उस टाइम पे हमें रशिया में 1905 से पहले, ऑटोक्रेसी. ऐसी कंट्री जहां पे सारी की सारी पावर एक हाथ में होगी तो ऑटोमेटिकली लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे. ठीक है, फर्स्ट आपने बताना है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऑटोक्रेसी. ठीक है, सेकंड, अब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने बता दी तो अब हमने बताना है रूलर का नेम. फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें तो वहां पे कौन था, लुइस 16, लेकिन यहाँ पे कौन, जार निकोलस, जार निकोलस सेकेंड. पूरा नाम याद रखना है आपने, जार, टी एस ए आर, टी साइलेंट, जेड भी हो सकता है, यहाँ पे एस भी आ सकता है, जार निकोलस सेकेंड. वन मार क्वेश्चन साइड बाय साइड, हु वाज द रूलर ऑफ रशिया बिफोर 1905, जार निकोलस सेकेंड. ठीक है, सेकेंड हमने बताया. थर्ड, अब क्या वहां पे सेकुलरिज्म था, नो नॉट एट ऑल. तो इसमें हमने क्या बताना है कि जार निकोलस सेकेंड का जो रिलीजन था, क्या था उसका रिलीजन, क्रिश्चियनिटी. ही वॉज ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन. ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या होता है, बहुत फैनेटिक होते हैं, कट्टर होते हैं रिलीजन के लिए, किसी और को टॉलरेट नहीं करते. ही वॉज ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, रिलीजन क्या था, क्रिश्चियनिटी. क्या वहां पे वोटिंग राइट्स मिले लोगों को, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जहां पे ऑटोक्रेटिक सिस्टम होगा, सारी पावर एक पर्सन के हाथ में है, वहां पे लोगों के व्यूज तो बिल्कुल वेलकम नहीं किए जाएंगे. तो हमने ये बताना है that before 1905 people of Russia were not given right to vote. Right to vote नहीं था. Suppose अगर यही 5 marks में आ जाए, which were the 4 or 5 political cause, तो साथ ही आप बता दो जब voting right ही नहीं होंगे तो contest to election भी नहीं होगा. People were not given right to contest election. People were not given right to contest election. ठीक है, और जितना मर्जी इसको डिटेल में बना सकते हैं, जब आपको ये अपने आप बनाने वाले पॉइंट्स, कंटेस्ट इलेक्शन का राइट ही नहीं है तो ना ही पॉलिटिकल पार्टीज होंगी.
ठीक है, तो पीपल दे वर नॉट फ्री टू फॉर्म एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड एसोसिएशन. अब आप कहोगे कि मैम आपने तो पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ाई है, पॉलिटिकल पार्टीज थी बट दे वर नॉट लीगल, दे वर इलीगल. लेकिन आपने इसमें ये बताना है दे वर नॉट गिवन राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, नो पॉलिटिकल फ्रीडम वॉज देयर. ठीक है, तो सफिशियंट है. ये था उस टाइम पीरियड में पॉलिटिकल एनवायरमेंट ऑफ रशिया बिफोर 1905. And these were the reasons, these were the causes why people they were not satisfied with the political environment or political जो उस time period में हम ये कह सकते हैं environment था या condition थी या circumstances. कोई भी topic आए, चाहे आपको आए causes of Russian Revolution, चाहे आपको आए circumstances, चाहे आए reasons, तो आपने ये main political points जो है बताने. ठीक है, अब आ जाओ second, economic causes. इकोनॉमिक कॉजेज, बेटा फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने बताए थे टैक्स के बारे में, टैक्सेशन सिस्टम क्या था, तो यहाँ पे भी हमने वैसा ही बताना है. हमने बताना है इंडस्ट्रीज या सेक्टर या लोग काम क्या करते थे मेन. इकोनॉमिक, इकोनॉमिक का मतलब होता है जहां पे मनी अर्न करने के लिए लोगों का मेन प्रोफेशन क्या था. तो अब आपको अलग से इंडिविजुअल पॉइंट है, सेकेंड जो आपका पॉइंट होगा दैट इज इकोनॉमिक रीजन भी आ सकता है, इकोनॉमिक कंडीशन भी आ सकता है, इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस भी आ सकता है. फर्स्ट आपने बताना है इन रशिया सेक्टर वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. मेनली जो सेक्टर था दैट वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर. रशिया में जो मेन प्रोफेशन था या ऑक्यूपेशन की बात करें या इकोनॉमिक सेक्टर की बात करें दैट वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नंबर वन एग्रीकल्चर एंड नंबर टू इंडस्ट्रीज. या तो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में थे या इंडस्ट्रीज में थे या बिजनेस करते थे या किंगशिप में थे. तो मेनली जो सेक्टर था मनी अर्न जहां से होती थी वो था बेसिकली एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री. लेकिन ये बैलेंस नहीं था. बैलेंस क्यों नहीं था, एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग ज्यादा एक्वायर्ड थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर कम था. अब आपने सेकंड पॉइंट में बतानी है इसकी परसेंटेज, लोगों की परसेंटेज बतानी है. 85% पीपल वर फार्मर्स, 85% पीपल वर फार्मर्स एंड रशिया वॉज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन. रशिया वॉज मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन. मेजर एक्सपोर्टर का मतलब होता है कंट्री के पास इतना ग्रेन था कि अपने लोगों के लिए भी बचाने के बाद वो बाकी ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट करते थे इंटरनेशनल मार्केट में. तो ऑटोमेटिकली हमने बताना है मनी अर्न कहाँ से होती थी. 85% पीपल देवर फार्मर्स, फार्मर ज्यादा थे इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर ज्यादा था और एग्रीकल्चर सेक्टर इतना था कि वो एक्सपोर्ट करते थे ऑल ओवर द वर्ल्ड. नेक्स्ट फिर हमने बताना है इंडस्ट्रीज के बारे में. मेन इंडस्ट्री और तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी लेकिन मेन इंडस्ट्रीज अगर हम इंडिया की बात करें तो मेन इंडस्ट्रीज कहाँ पे हैं, नोएडा है, गुड़गांव है, ठीक है, बेंगलोर जिसको हम सिलिकॉन वैली भी कहते हैं. ठीक है, ऐसे ही हमने मेन सेंटर बताने हैं. तो ये वनमा क्वेश्चन भी आ सकता है विच वर द मेन इंडस्ट्रियल सेंटर ऑफ रशिया. दो नेम आपने बताने हैं इसमें, मॉस्को, मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग. ये नाम जो है सेंट का नाम है लेकिन उनके नाम के ऊपर सिटी का नाम पड़ा. बाद में पता है इस नेम को क्या कर दिया गया था, चेंज कर दिया गया था क्योंकि ये जर्मन नेम थी. ठीक है, पहले इस सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को, दीज वर द टू इंडस्ट्रियल सेंटर्स वेयर मैनी वर्कर्स and factory owners they establish their business. ठीक है, first आपने क्या बताया economic sector, 85% people were farmers. second आपने बताया Russia was exporter of grain. third आपने industrial center के name बताने हैं, Moscow and Saint Petersburg. fourth आपने ये बताना है major problem क्या थी, all the industries were in private hands, government नहीं थी, all the industries were in private hands. आज हमारे इंडिया में फार्मर्स किस चीज को अपोज कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन. तो आज हम हमारी कंट्री में हम प्राइवेटाइजेशन को अपोज कर रहे हैं. तो उस टाइम पीरियड में वर्कर्स ने इसको अपोज किया कि इंडस्ट्रीज प्राइवेटाइज हैं
और जितनी इंडस्ट्रीज प्राइवेटाइज होंगी तो प्रॉफिट लोगों को कम मिलेगा, ज्यादा प्रॉफिट किनके हाथ में जाएगा, जो ऑनर्स या जो इंडस्ट्रियलिस्ट या जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड में ये प्रॉब्लम थी, ऑल द इंडस्ट्रीज वर इन प्राइवेट हैंड्स। प्राइवेट हैंड्स का मतलब क्या है, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं था, प्राइवेट पीपल दे कैन एक्सप्लॉयट वर्कर्स, फैक्ट्री लॉज नहीं थे, लेबर एक्ट नहीं था। लेबर एक्ट जहां पे नहीं ना होता वहां पे क्या प्रॉब्लम आती, इसमें आप इतना मर्जी लिख सकते हो, जहां पे लेबर एक्ट नहीं होगा वर्कर्स कैन बी डिसमिस एनी टाइम, चाइल्ड लेबर हो सकता है, या इंश्योरेंस नहीं होगी, कंपनसेशन नहीं होगा, एक्सीडेंटल डेथ होती है तो कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा फैमिलीज को, लो मिनिमम वेजेस, ये सारी प्रॉब्लम्स आप इसमें बता सकते हो। एट दैट टाइम पीपल दे वर फेसिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, दे वर गेटिंग लो वेजेस, दे वर नॉट गिवन कंपनसेशन। कंपनसेशन क्या होता है, कई बार क्या होता है इंडस्ट्रीज में चलते चलते मशीन में कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, सपोज किसी का हाथ कट गया या किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, डेथ हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, फैक्ट्री एक्ट क्या कहता है, उस पर्सन की जगह उसकी फैमिली में किसी और पर्सन को क्या दी जाएगी, जॉब दी जाएगी, प्लस कंपनसेशन दिया जाएगा थ्रू आउट लाइफ, मेडिकल एक्सपेंसिस दिए जाएंगे अगर कोई भी मेडिकल बिल होगा। लेकिन उस टाइम पर में ऐसी प्रोविजन नहीं थी, सो दैट्स वाई पीपल दे वर एंग्री, दे वर नॉट हैप्पी विद दिस काइंड ऑफ प्राइवेटाइजेशन, वर्कर्स वर एक्सप्लॉयटेड। यस, अब बच्चे यही अगर आपको इकोनॉमिक अगर आपको लॉन्ग में आता है, सपोज आपको यही पूछा जाए विच वर द इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, इसमें आप बताओ लॉन्ग वर्किंग आवर्स। लॉन्ग वर्किंग आवर्स का मतलब क्या होता है, फैक्ट्री आवर्स, बच्चे आवाज नहीं आया बिल्कुल, फैक्ट्री आवर्स, वैसे फैक्ट्री आवर्स पता क्या टाइमिंग होता है, 9 to 5, लेकिन फैक्ट्रीज में अगर 5 के बाद किसी भी वर्कर को रोका जाता है तो उसको क्या दिया जाता है, ओवर टाइम। बट एट दैट टाइम नो एडिशनल पेमेंट वॉज गिवन फॉर ओवर टाइम। ओवर टाइम का मतलब होता है अगर उनको रोका जाता था तो किसी भी तरह से एडिशनल जो है वो वेजेस जाते थे, वर्किंग आवर्स वर वेरी लॉन्ग, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम आती हैं इकोनॉमिक कॉजेज की, वाई पीपल, फैक्ट्री ऑनर्स, या हम ये कह सकते हैं कि रशियन पीपल दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट। थर्ड आ जाओ सोशल कॉज, थर्ड है सोशल कॉज। कई बार आपको दो भी आ सकते हैं, सपोज राइट अ नोट ऑन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ रशियन, तो उसमें आप क्या करोगे, कुछ पॉइंट्स लिखोगे पॉलिटिकल के, कुछ लिखोगे इकोनॉमिक्स। सपोज 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2.5 फॉर पॉलिटिकल, 3 पॉइंट्स फॉर दिस, 3 पॉइंट फॉर दिस, क्लियर। नेक्स्ट थर्ड है सोशल कॉजेज। हाँ जी, फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने किया था सोसाइटी, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, लेकिन इसमें हमने एस्टेट सिस्टम को भूल जाओ, रशिया में किसी भी तरह से एस्टेट सिस्टम नहीं था, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे भी था, क्योंकि हर कंट्री का डिस्क्रिमिनेशन अलग होता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में वर्णा सिस्टम था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास, वहां पे क्या था, एस्टेट सिस्टम। लेकिन रशिया में ऐसा कोई नेम नहीं था, लेकिन हमने फिर भी बताना है कि सोसाइटी में डिस्पैरिटीज थी, किस किस में डिस्पैरिटी थी। नंबर वन आपने बताना है सोसाइटी कंप्राइजेज ऑफ, क्योंकि थी तो अल्टीमेटली वो क्रिश्चियन ही थे ना, और जहां पे क्रिश्चियनिटी रिलीजन था तो ऑटोमेटिकली वहां पे चर्च की इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा थी। नंबर वन सोसाइटी कंप्राइजेस, कंप्राइजेस का मतलब कितने पार्ट्स में डिवाइडेड थी, सोसाइटी कंप्राइजेस ऑफ चर्च। नंबर वन चर्च का मतलब है चर्च पीपल, सेम क्लर्जी है लेकिन यहाँ पे क्लर्जी नहीं लिखना, नंबर वन चर्च पीपल, नंबर टू नोबिलिटी, नोबल्स, नोबिलिटी मतलब मिनिस्टर्स, किंग्स, वो सारे सेकेंड नोबिलिटी में ही आते हैं, नोबल्स, किंग्स। नंबर वन चर्च पीपल, नंबर टू नोबिलिटी, नंबर थ्री पीजेंट्स एंड वर्कर्स, इसमें सारा थर्ड कैटेगरी आ गई, पीजेंट्स आ गए, वर्कर्स आ गए, बिजनेसमैन आ गए, इसमें सारे ही हैं, रिच भी हैं एज वेल एज पुअर। तो कहीं ना कहीं आप इसको, आपको फ्रेंच सोसाइटी की तरह ही है, लेकिन हमने नाम नहीं लिखना, एस्टेट सिस्टम नहीं लिखना, बाकी सारा ऐसे लिखोगे, नंबर वन चर्च पीपल, नंबर टू नोबिलिटी, नंबर थ्री पीजेंट्स, वर्कर्स, ट्रेडर्स, आर्टिसंस, वो सारे आपने थर्ड कैटेगरी में लिखना, ठीक है। नंबर टू सेम फ्रेंच सोसाइटी, दे वर ओवरबर्डन विद द हैवी टैक्सेस, सेम यहां पे भी सेम लिखोगे। नंबर टू हैवी टैक्सेस वर इम्पोज्ड ऑन पुअर पीपल। अब पुअर पीपल कौन है, जो वर्कर्स थे या फार्मर्स थे, ट्रेडर्स थे, लेबर्स थे, ठीक है। हैवी टैक्सेस वर, नहीं नोबिलिटी को, हैवी टैक्स पुअर लिखा ना मैंने, तो नोबल तो पुअर हो ही नहीं सकते है ना,
heavy taxes were imposed on poor people. ठीक है, heavy taxes were imposed on poor people. Then third, women were paid less. अब ये discrimination हमेशा हर country में होता है. Women were paid less as compared to men. Factories में अगर men और women दोनों काम करते थे तो women को salary कम दी जाती थी as compared to men. और problem क्या थी? अब जिन factories में workers को या mechanics जो थे जिनको machine चलानी आती थी ना, उनका rank high होता था, उनका uniform design भी अलग होता था, उनकी respect भी ज्यादा होती थी और उनका ग्रेड या स्केल जो भी है रैंक ज्यादा हाई माना जाता था. जो लोडिंग का काम करते थे, अनलोडिंग का काम करते थे, वर्कर्स होते थे या पैकिंग का काम करते थे, उनको सोसाइटी में रिस्पेक्टेबल जॉब नहीं माना जाता था. उनकी सैलरी भी कम होती थी और उनका रैंक भी लो होता था. तो दैट वॉज अ डिस्क्रिमिनेशन इन द फैक्ट्री ऑल्सो, कि फैक्ट्री में फैक्ट्री वर्कर्स के बीच में भी डिस्क्रिमिनेशन होता था रिगार्डिंग देयर वेजेस, रिगार्डिंग देयर स्किल. ठीक है, स्किल का मतलब होता है उनको जिस काम की नॉलेज थी. इसका मतलब उस टाइम पर मैं मशीन वर्कर जो थे जिनको मशीन चलानी आती होंगी उनका सोसाइटी, जैसे इंजीनियर्स की बात करें तो उनका रैंक सोसाइटी में ज्यादा, उनके वेजेस ज्यादा होते होंगे. तो आप लिखोगे दैट डिवीजन अकॉर्डिंग टू रैंक ऑफ वर्कर्स, डिवीजन अकॉर्डिंग टू रैंक ऑफ वर्कर्स अकॉर्डिंग टू स्किल, अकॉर्डिंग टू स्किल. अब स्किल में क्या आता है? स्किल में मतलब है मेटल वर्कर होते हैं, मेटल वर्कर जिनका काम क्या होता है आयरन स्मेल्टिंग करते हैं या फैक्ट्रीज में फैक्ट्रीज ऑपरेट करते थे, मेटल वर्कर. मेटल वर्कर भी आ सकता है इसमें, मशीन ऑपरेटर आ सकते हैं जो चलती हुई मशीन्स को अगर खराब हो जाती है उनको रिपेयर करते थे, उनका रैंक हाई माना जाता था. क्योंकि अभी ये नया टाइम था जिस नए टाइम में मशीन अभी इंट्रोड्यूस हुई. नेक्स्ट, क्या वो लोग अपने नोबल्स की रिस्पेक्ट करते थे? नॉट एट ऑल. क्योंकि ऑटोक्रेटिक सिस्टम था, नोबिलिटी थी, प्राइवेटाइजेशन थी, तो लोगों के लिए अपने नॉबल्स, अपने किंग के लिए किसी भी तरह की रिस्पेक्ट नहीं थी. ठीक है, तो लास्ट में आप ये बताओगे पीपल हैड नो रिस्पेक्ट फॉर नोबिलिटी, पीपल हैड नो रिस्पेक्ट फॉर नोबिलिटी. हाँ जी, अब हम करेंगे डिफरेंट ग्रुप्स. नेक्स्ट जो है दैट इज डिफरेंट ग्रुप्स. मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी तरह की पॉलिटिकल एसोसिएशन या पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो टोटली बैन थी, इलीगल थी, लीगल नहीं थी. अब हमने इलीगल बताने हैं कि किस तरह से पॉलिटिकल ग्रुप या पॉलिटिकल पार्टीज थी जो उस टाइम पे में बहुत एक्टिव हुई. अब सबसे पहले आप बताओगे सोसाइटी वॉज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट थिंकिंग, डिफरेंट ग्रुप्स वर देयर. ये आपका नेक्स्ट टॉपिक बनेगा, कॉज ही बनेगा डिफरेंट ग्रुप्स. ये वैसा ही है बच्चे जैसे आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में किया था रोल ऑफ फिलोसफर्स. इसमें आपने फिलोसफर या नेम या बुक्स नहीं याद करनी है, जस्ट आपने ग्रुप्स याद करने हैं कि थिंकिंग कैसी थी लोगों की. डिफरेंट ग्रुप्स वर देयर. जब भी किसी भी कंट्री में एक्सप्लॉयटेशन होती है ना तो लोगों की थिंकिंग अलग अलग होती है. सपोज मैं जस्ट एक एग्जाम्पल देती हूँ, कल की ही लेटेस्ट एग्जांपल जो है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं वो बीजेपी जो लीडर हैं मिस्टर अमित शाह हैं उनसे मिले. ठीक है, आपने ये न्यूज पढ़ी. अब हर पर्सन इस न्यूज को अपनी तरह से चैनल में दिखाएगा. कुछ कहेंगे कि ये बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर रहे, कुछ कहेंगे कि ये फार्मर्स बिल के रिगार्डिंग इनकी इंट्रोडक्शन हुई है, कुछ कहेंगे कि हाँ जी इन्होंने कांग्रेस से रेजिग्नेशन दिया कि ये बीजेपी ज्वाइन कर रही. ठीक है, तो लोगों की थिंकिंग क्या है अलग अलग होती. तो उस टाइम पीरियड में भी गवर्नमेंट के बारे में, ऑटोक्रेटिक सिस्टम के बारे में, जार के बारे में लोगों की थिंकिंग अलग अलग थी, मोनार्की के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में. तो उसके अकॉर्डिंग हमने अलग अलग 4 और 5 ग्रुप्स पढ़ने हैं. इन ग्रुप्स का आपको मीनिंग याद होना चाहिए और इनकी आइडियोलॉजी. ठीक है, सबसे पहले नंबर 1 लिबरल्स. लिबरल्स, मैनी पीपल हु बिलीव्ड इन लिबरल, लिबरल थ्योरी. लिबरल थ्योरी क्या कहती है? लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम. लिबर, एल आई बी ई आर, ये वर्ड ही क्या कहता है, लिबर का मतलब होता है फ्री. किस सेंस में फ्री होना? फ्रीडम फ्रॉम ऑटोक्रेटिक रूलर, यानी कि फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ राइट्स, यानी कि लोगों को कुछ कुछ राइट्स मिले.
liberals. Number two, radicals. R-A-D-I-C-A-L-S, radicals. लिबरल, सबसे पहले लिबरल का लिखो. लिबरल वर दोज पीपल हु बिलीव इन इक्वालिटी टू ऑल. हु बिलीव्ड इन इक्वालिटी टू ऑल, ये वो लोग थे जो चाहते थे कि ऑल शुड बी इक्वल. चर्च पीपल हो या वर्कर्स हो या आर्टिसंस हो, सारे इक्वल होने चाहिए. बट दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. तो इससे आपको क्या पता लगता है कि वो किसकी फेवर नहीं करते थे? विमेन. लिबरल्स, दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. बस एक लाइन याद रखो कि लिबरल का ये मानना था कि वो फ्रीडम चाहते थे, इक्वालिटी चाहते थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि विमेन को क्या मिले, राइट टू वोट. दूसरी तरफ थे रेडिकल्स, R-A-D-I-C-A-L-S, रेडिकल्स. ये वो लोग थे जिनकी थिंकिंग थी, बाकी सारे पॉइंट्स में लिबरल के साथ एग्री करते थे, लेकिन एक पॉइंट पे इनका डिफरेंस था. दे बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. रेडिकल्स का मानना था कि विमेन शुड बी गिवन राइट टू वोट. देन थर्ड ग्रुप था डेमोक्रेट्स. डेमोक्रेट्स कौन थे? जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरह रशिया में क्या लाना चाहते थे? डेमोक्रेटिक सिस्टम. दे बिलीव्ड इन डेमोक्रेटिक आइडियाज. डेमोक्रेट्स. नंबर फोर, कंजर्वेटिव्स. डेमोक्रेट्स बिलीव्स इन डेमोक्रेटिक आइडियाज. जस्ट अपने ग्रुप्स के नेम और उनका एक एक लाइन में उनकी आइडियोलॉजी बताओ. कंजर्वेटिव्स कौन थे? कई बार हम कहते हैं ना कि इसकी थिंकिंग बहुत पुरानी है, कंजर्वेटिव है, ट्रेडिशनल है. तो उस टाइम पीरियड में भी यूरोप में या रशिया में कुछ ऐसे लोग थे जिनकी थिंकिंग कंजर्वेटिव थी. पर यहां पे हमने क्या बताना है, कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? दे बिलीव्ड इन मोनार्की. यानी कि कुछ लोग थे जो कंट्री में किंगशिप चाहते थे. उनका ये मानना था कि कंट्री तभी प्रॉपरली जो है वो गवर्न होगी जब उसमें हेरिडिटरी रूल रहेगा, डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं आएगा, इलेक्शंस नहीं होंगे. तो दीज बिलीव्ड इन मोनार्की, यानी कि ये मोनार्की सिस्टम या किंगशिप में बिलीव करते थे. कंजर्वेटिव का मतलब है पुराने. और दूसरा चर्च, ये चर्च की इंटरफेरेंस में भी बिलीव करते थे. इनका ये मानना था कि जो चर्च पीपल हैं वो किंग को बहुत अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं रिगार्डिंग रिलीजियस मैटर्स. तो कंजर्वेटिव्स कौन? कंजर्वेटिव्स वर दोज ग्रुप और पीपल हु बिलीव्ड इन मोनार्की, हु बिलीव्ड इन द ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ चर्च. जो चर्च के ओल्ड ट्रेडिशन में बिलीव करते थे, इंटरफेरेंस में बिलीव करते थे कंजर्वेटिव्स. वन मार्क क्वेश्चन कैन कम कि कंजर्वेटिव्स कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है. एंड दे बिलीव इन स्लो चेंजेस. इनका ये मानना था, कंजर्वेटिव्स का ये मानना था कि रेवोल्यूशन लाकर कंट्री को चेंज ना किया जाए, स्लो चेंजेस इंट्रोड्यूस किए जाएं ताकि धीरे धीरे लोग हैबिचुअल हो. ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के बिल्कुल अगेंस्ट थे कंजर्वेटिव्स. इनका ये मानना था कि किसी भी कंट्री में रेवोल्यूशन लाकर गवर्नमेंट के सिस्टम को चेंज नहीं किया जाना चाहिए. सो दे बिलीव्ड इन स्लो चेंजेस, ठीक है. सफिशियंट है इसके बारे में ग्रुप्स आपने बिल्कुल शॉर्ट में बताने. अब आ जाओ नेक्स्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, नेक्स्ट टॉपिक. और हम ये कह सकते हैं जो आपका फिफ्थ कॉज इसमें नहीं, मिलिट्री इंटरफेरेंस नहीं, वो डिक्टेटरशिप होता है. नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. जैसे फ्रांस के रेवोल्यूशन में जैकोबिन क्लब बना, ठीक है, ऐसे ही रशिया के रेवोल्यूशन में आपने कुछ पार्टीज के नेम बताने हैं. यही पार्टीज आगे जाकर रेवोल्यूशन लेकर आई. एक पार्टी थी, वो पार्टी के जो है वो अलग अलग पार्ट सबने बताने हैं, ठीक है. एक बन गई बोल्शेविक, एक बन गई मेंशेविक. एक पार्टी जो है वो रशिया में रेवोल्यूशन लेकर आई 1917 में फरवरी में, एक लेकर आई अक्टूबर में. तो हमने बताना है कि कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज के नेम, और यही पॉलिटिकल पार्टीज रीजन बनी रेवोल्यूशन लाने का, ठीक है. तो सबसे पहले आपने बताना है कि रशिया में इन दैट टाइम मैनी पार्टीज वर देयर, बट दीज पार्टीज वर इलीगल. इलीगल क्यों? क्योंकि किंग ने उनको रिकॉग्निशन नहीं दी हुई थी. तो पार्टीज के नेम पहले आप बताओगे. रशियन
सोशल, सबसे पहले पार्टी कौन सी बनी? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। वन मार्क क्वेश्चन कैन कम हियर, आप याद रखो 1898 रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी, इसकी कैपिटल, उसके वो भी याद कर सकते हो, इसकी फॉर्म RSDWP, RSDWP रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी 1898 में बनी थी। सबसे पहले पार्टी बनी जिस टाइम पीरियड में पॉलिटिकल पार्टीज इलीगल होती थी। इलीगल का मतलब क्या होता है कि किंग के सामने नहीं बल्कि ये अंडर द टेबल कह सकते हो, या कॉन्स्पिरेसीज करते थे किंग के अगेंस्ट। देन ये पार्टी किसके ऊपर बेस थी? पार्टी का बेस ब्रैकेट में लिख लो, ये पार्टी के आइडियाज क्या थे? दिस पार्टी वॉज बेस्ड ऑन सोशलिस्ट आइडियाज। सोशलिस्ट आइडियाज का मतलब क्या होता है? सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। दिस पार्टी वॉज बेस्ड ऑन सोशलिस्ट आइडियाज। बेटे सोशलिस्ट आइडियाज का मतलब क्या होता है? ऐसी पार्टी जो सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोचती है। दिस पार्टी वॉज बेस्ड ऑन सोशलिस्ट आइडियाज बाय कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ये बहुत बड़े सोशलिस्ट थे जिनके आइडियाज के ऊपर ये पार्टी बनी थी। कार्ल मार्क्स कौन थे? कार्ल मार्क्स सोशलिस्ट। इनका क्या मानना था? ये जस्ट मैं आपको वैसे स्टोरी बता रही हूँ। कार्ल मार्क्स जो थे ना बेटा, वो जितनी भी कंट्री में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी, एंटरप्रेन्योर्स थे, उनके अगेंस्ट थे। इनका ये मानना था कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो रिच तभी होते हैं जब वर्कर्स काम करते हैं, फैक्ट्री ऑनर्स काम करते हैं। जिस दिन फैक्ट्री ऑनर्स काम करना बंद कर देंगे उस दिन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाए। तो अगर ये वर्कर्स के साथ, उनकी एक्सपेक्टेशंस के साथ, उनको प्रॉपर वेजेस नहीं देंगे, उनकी एक्सपेक्टेशन बंद नहीं होगी, तो वन डे विल कम व्हेन रेवोल्यूशन विल अकर। ये उन्होंने, हम कहते हैं ना जैसे नॉस्ट्रोडामस ने प्रेडिक्शन दी है कि एक दिन ऐसा होगा वर्ल्ड जो खत्म हो जाएगा, ऐसे ही कार्ल मार्क्स ने भी एक प्रेडिक्शन की थी कि रेवोल्यूशन आएगा। लेकिन उन्होंने प्रेडिक्शन कहाँ की थी? कि रेवोल्यूशन जो है वो यूरोप के किसी पर्टिकुलर किसी कंट्री में आएगा। लेकिन ये रेवोल्यूशन कहाँ पे आया? रशिया में आया, वर्कर्स का। ठीक है, यानी कि बहुत से लोगों ने इनकी बुक्स को पढ़ के कहीं ना कहीं जो है वो रेवोल्यूशन प्लान किया। तो हम ये कह सकते हैं कि पार्टी की जो आइडियोलॉजी है दैट वॉज बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ कार्ल मार्क्स। जैसे आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में फिलोसफर्स की बुक्स पढ़ी थी, ऐसे ही आपने इनका नेम आपने इसमें बताना है। फर्स्ट आपने ये पार्टी बतानी। सेकेंड पार्टी सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी इन 1900, SRP, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी इन 1900, इसमें ब्रैकेट में लिखो पीजेंट्स राइट्स। ये मेन पार्टी जो थी वो किसके लिए ज्यादा एफर्ट करती थी? पीजेंट्स के राइट्स के लिए। सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी इन 1900, ब्रैकेट में लिखो फॉर पीजेंट्स राइट्स। पीजेंट्स के लिए मेन ये पार्टी वर्क करती थी। आगे जाकर यही पार्टी टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई। दिस पार्टी गॉट डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, बोल्शेविक्स एंड मेंशेविक्स। फर्दर दिस पार्टी गॉट डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स, बोल्शेविक्स एंड मेंशेविक्स। बोल्शेविक के लीडर कौन बने? लेनिन। और मेंशेविक के लीडर? केरेंस्की। बोल्शेविक के लीडर लेनिन और मेंशेविक के लीडर केरेंस्की। फिर से मैं रिपीट कर रही हूं, SRP वॉज फॉर्मड इन 1900। दिस पार्टी मेन वर्क फॉर पीजेंट्स राइट्स। फर्दर पार्टी में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई जिसके कारण थिंकिंग जो है वो चेंज हो गई, एंड दिस पार्टी गॉट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, बोल्शेविक पार्टी एंड मेंशेविक पार्टी। बोल्शेविक के लीडर बने लेनिन एंड मेंशेविक के लीडर बने केरेंस्की। ठीक है, तो मेंशेविक केरेंस्की। बोल्शेविक के लीडर जो पूरा नाम क्या था? व्लादिमीर लेनिन, VLADIMIR, व्लादिमीर लेनिन। क्लियर? किसकी स्पेलिंग? किसके? बोल्शेविक।
बोल्शेविक के लीडर बेटा व्लादिमीर लेनिन, मेंशेविक के करेंस्की। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट, एनी डाउट बेटा? निवेदिता, हाँ जी बेटा, कीप ए माइक ऑन। मैम सोशल कॉज का फोर्थ कॉज बता दो। सोशल कॉज में बच्चे एक तो मैंने बताया सोसाइटी कंप्राइजेस ऑफ चर्च कम्युनिटी एंड पुअर वर्कर्स है ना। सेकंड बताया था हैवी टैक्सेस फॉर इम्पोज ऑन पुअर। थर्ड बताया वीमेन वर पेड लेस एज कम्पेयर टू मैन। एंड डिवीजन ऑफ रैंक, यानी कि वर्कर्स के बीच में डिवीजन रैंक के अकॉर्डिंग लाइक स्किल के ना बच्चे। एनी अदर पॉइंट? ठीक है मैम, ओके, थैंक यू। I'm going to end, beta.